हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक मैथ करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। 10th का है, NCERT बुक 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर दी चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर दी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक प्लान इंस्टॉल टू स्लाइड्स, हाँ एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एक पार्क में 2 स्लाइड बनाता है जो कि प्लेन है, ठीक। एक एक बनाता है 5 साल के लिए, 5 साल के नीचे के लिए। सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। और एक का हाइट जो होता है ना स्लाइड का 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एक स्लाइड इस तरह बनाता है जिसका हाइट है 1.5, इसका हाइट है 1.5 और वो जो इंक्लाइंड है ना इंक्लाइंड 30 डिग्री पे, ये इंक्लाइंड, ये प्लेन है, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे। वेयर फॉर द इल्डर चिल्ड्रन, और एक 5 साल से कम के लिए बनाता है, एक इल्डर चिल्ड्रन के लिए बनाया जाता है। सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। ये इसका हाइट 3 मीटर है एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड यानी कि ये दोनों का, ईच केस का दोनों में लेंथ क्या होगा दोनों का। तो इसका लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों बन जाता है। पहले देखना है क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ये स्लाइड निकालना है यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। पी बाय एच किस में होता है, साइन थीटा, थीटा इसमें दिया हुआ है, सॉरी थीटा दिया हुआ है, एक सेकेंड, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ठीक। इसमें थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, साइन 30 डिग्री पी बाय एच के बराबर होता है और साइन 30 डिग्री होता है मेरा हाफ, ठीक। अब ये पी बाय एच परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसका फर्स्ट का, ट्रायंगल यहाँ लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी फर्स्ट का है, परपेंडिकुलर दिया हुआ 1.5, हाइपोटेनस निकालना है वो नहीं दिया हुआ, इसका 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू एच, तो इसका हाइपोटेनस आ जाएगा मेरा 3 मीटर एक का आंसर। और दूसरे का, इसका थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री बराबर पी बाय एच, 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 60 डिग्री का होता है रूट अंडर 3/2, इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना दिया हुआ इसका 3, ट्रायंगल डी ई एफ परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रूट अंडर 3h इक्वल टू 6, h इक्वल टू 6/√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, 6/√3 इंटू √3/√3, हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा 6√3/3, √3 × √3 होता है, 3 से 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू 2√3 इसका आ जाएगा, इसका 2√3। यही स्लाइड का हमसे लेंथ पूछ रहा था, तो एक स्लाइड का लेंथ 3 आ गया ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक, और एक स्लाइड का ट्रायंगल डी ई एफ में आ गया मेरा 2√3 आंसर। इसी तरह बनाना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।